आज हम आपको बताएंगे भूतों की 13 सच्ची कहानियां। ब्राउन लेडी ऑफ रेनमन हॉल। नॉर्फक इंग्लैंड के रहम हॉल में 1936 में कैमरे में कैद हुए साइको ब्राउन लेडी कहा जाता था। इसमें भूरे रंग के बूटेदार कपड़े पहनी हुई महिला को देखा गया था। इसका नाम लेडी डॉरथी था, जो चार्ल्स टाउनशेड नाम व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। महिला को विश्वासघात करने पर सजा के रूप में घर में बंद कर दिया गया था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। कई लोगों के साथ जॉर्ज परचम ने भी कहा था कि उन्होंने एक बुरी महिला को देखा है। अंत में एक दिन उसकी तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। बाद में यह तस्वीर लाइफ मैगजीन में भी प्रकाशित हुई। बैचलर ग्रोव कब्रिस्तान का भू। शिकागो का ये कब्रिस्तान अपनी कुछ अजीब गरीब हालात के कारण बंद कर दिया गया। 1999 में घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों ने इस कब्रिस्तान की जांच के दौरान अपने हाई स्पीड इंफ्रारेड कैमरे से कई तस्वीरें ली थी। जब ये फिल्म डेवलप होकर आई तो कई लोगों के होश उड़ गए। एक तस्वीर में एक अदृश्य महिला बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए दिखाई दी। फर्ग्यूसन का भाई। 1968 में लॉस एंजलिस में आध्यात्मवादी सम्मेलन में लेखक रॉबर्ट ए फर्ग्यूसन भाषण दे रहे थे। कई फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन एक फोटोग्राफर की तस्वीर में उनके पीछे एक व्यक्ति का साया देखा गया। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना भी मानी जाती है। बाद में फर्ग्यूसन ने जांच कर यह स्वीकार किया कि यह उनका भाई वॉल्टर था, जिसकी मृत्यु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो चुकी थी। कब्र पर छोटे बच्चे का साया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक माँ अपनी बेटी की कब्र पर हर बार शोक करने आती थी। श्रीमती एंड्रयू ने बेटी की कब्र की एक तस्वीर ली थी। जब उसे फिल्म रोल को डेवलप करवाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तस्वीर में कब्र पर एक छोटे बच्चे का साया दिखाई दे रहा था। वह श्रीमती एंड्रयू को घूर घूर कर देख रहा था। बाद में जांच में पाया गया कि उनकी बेटी की कब्र के पास ही दो छोटी बच्चियों की भी कब्र थी, जो तस्वीर में थी। सेफ्टन चर्च का भूत। चर्च में प्रार्थना के दौरान आने वाले भक्त ने दूर खड़े काले साय को कैमरे में कैद किया। वेस्टेड चर्च में व्हाइट लेडी का भूत। 1975 में बर्थलॉट परिवार रोजाना चर्च में प्रार्थना करने जाता था। उस दौरान श्रीमती बर्थलॉट एंटीबायोटिक्स पर जी रही थी। वे बेंच पर बैठकर प्रार्थना कर रही थी और दूर बैठे उनके पति तस्वीर ले रहे थे। जब तस्वीर बनकर आई तो श्रीमती के पीछे सफेद औरत का भूत बैठा हुआ था। इस तरह की कहानी वहां प्रचलित हो गई कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के दौरान झुकता है तो वो साया उसके पास आ जाता है। डेसिबल होटल का भूत। डेसिबल होटल रोमानिया देश का सबसे पुराना होटल है। लोगों का मानना है कि यह होटल एक बड़े प्राचीन जमीन में दफन खजाने के ऊपर बना है और एक काला साया उसकी रक्षा करता है। 2008 में ये बात उस समय पुख्ता हो गई जब 33 साल की विक्टोरिया ईवन ने एक काले साये वाली महिला की तस्वीर खींची। इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर में फार्म भूत। 2008 में शादी की तस्वीरें खींचने वाले फोटोग्राफर नील सैंडबैक ने हर्टफोर्डशायर में एक फार्म की कुछ तस्वीरें उतारी। यह शादी होने से पहले की लोकेशन थी। नील ने जब कंप्यूटर में इन तस्वीरों को देखा तो अवाक रह गए। एक तस्वीर में उन्हें बच्चे का चमकता हुआ भूत दिखा, जबकि फोटो लेने के दौरान उस समय कोई नहीं था। लोगों से कुछ घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस मुठभेड़ में कई लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से एक वह भूत वाला लड़का भी था। टेक्सास के सेंट एंटोनियो में रेल रोड भूत। सेंट एंटोनियो में रेल रोड क्रॉसिंग में अदृश्य महिला का भूत फोटोग्राफ में देखा गया। भूतों की ली गई तस्वीरों में इस तस्वीर पर सबसे ज्यादा बात की गई है। यहां कुछ साल पहले स्कूल के बच्चे कटकर मर गए थे। इसमें मिडिल एज महिला को नाइट ड्रेस में दिखाया गया, साथ में उसके साथ एक टेडी बियर या फिर कुत्ता भी दिखा। यूबॉय चर्च का 9 फुट लंबा भूत। इंग्लैंड के उत्तरी यॉर्कशायर में न्यूबॉय चर्च में 9 फुट लंबा भूत देखने को मिला। यह तस्वीर 1963 में केफ लॉर्ड ने ली थी।
लॉर्ड ने दावा किया कि उस दौरान वहां सामने कोई भी नहीं था। हालांकि इससे चर्च में कोई भी सुपरनैचुरल एक्टिविटी नहीं देखी गई। दादाजी का भूत। डेनियल रसेल अपनी नाती पोते के साथ पिकनिक का मजा ले रहे थे। उनकी एक तस्वीर में उनके पति का भूत दिखा। कुछ साल बाद दादी डेनिस भी चल बसी। उनके बच्चों द्वारा 2000 में क्रिसमस पार्टी की एक फैमिली एल्बम देखने के दौरान एक तस्वीर में उनकी स्वर्गीय दादी के साथ बुजुर्ग आदमी के साए को फिर देखा गया। ये उनके डेनिस के पति का भूत था। लॉर्ड कंबार्मर और उनकी पसंदीदा कुर्सी। लॉर्ड कंबार्मर बारबाडोस के गवर्नर थे। 1851 में उनकी घोड़ागाड़ी के साथ हुए हादसे में मौत हो गई। उनके करियर के दौरान उन्हें ऑफिस की लाइब्रेरी में रखी कुर्सी से बड़ा प्यार था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान सिविल कॉर्पोरेट ने लाइब्रेरी में एक कैमरा लगा दिया। जब कैमरे द्वारा खींची हुई तस्वीरों को बनवाया गया तो कॉरम्बोर अपनी प्यारी कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। ग्रुप फोटो में साथियों के साथ। 1919 में मैकेनिक फ्रेडी जैक्सन की एक हादसे में मौत हो गई। अगले दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ठीक दो दिन बाद स्क्वाड्रन रॉयल नेवी वेसल ने ग्रुप फोटो खिंचवाया। जैक्सन भी इसी टीम का हिस्सा थे। इन तस्वीरों को डेवलप करवाने के बाद लोगों को विश्वास नहीं हुआ। मृत जैक्सन भी इस तस्वीर का हिस्सा था। ये तस्वीर रिटायर्ड आरएएफ ऑफिसर सर विक्टर गार्डर द्वारा ली गई थी।